थोड़ा सा मेरा मालिश जवान जो है उनकी शान बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है। सारा देश क्षुब्ध है, आक्रोशित है और आतंकवादियों की इस कायरानापूर्ण जघन्य अपराध के लिए उनको क्षमा नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से केंद्र सरकार इस पर क्या कार्यवाही माकूल जवाब हो सकता है, इस पर कार्यवाही के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसकी बैठक बुलाई है और उस पर जो निर्णय निकलता है उसके अनुरूप माकूल जवाब दिया जाएगा, ऐसी सारे देश को अपेक्षा है और निश्चित रूप से ऐसा होगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी संगठनात्मक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश का दौरा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उड़ीसा का और छत्तीसगढ़ का दौरा रद्द किया है। इस प्रकार पूरी भारतीय जनता पार्टी इस जघन्य और कायरानापूर्ण कृत्य के लिए भर्त्सना करती है और आतंकवादी और उनके सरगना उनको इस कार्यवाही का अंजाम भुगतना पड़ेगा, इस बात की अपेक्षा करती है। देखिए, सब घटना बहुत ही जघन्य है, कायरानापूर्ण है और दुखद है। अब इस घटना के पीछे क्या रहा है, कैसा रहा है, इस बात की जांच एजेंसीज कर रही हैं, करेंगी। हालांकि ये देश भर में पहले से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ था, 15 फरवरी से पहले कोई घटना हो सकती है। इसके मद्देनज़र मुझे लगता है कि सारे एहतियात बरते होंगे, फिर भी ये इतनी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे 44 जवान शहीद हुए हैं। मैं इस घटना में जो भी जवान घायल हुए हैं उनकी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी ठीक प्रकार से रिकवरी हो और जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उन जवानों के परिवार के लिए, परिवार के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर आगे के उनके जीवन के लिए भी साथ खड़े हैं, साथ खड़े रहेंगे और देश इस घटना का जरूर कोई ना कोई माकूल जवाब देगा। देखिए, ये इस समय इस घटना के बाद क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए सरकार गंभीरता से इस पर विचार कर रही है क्या कार्रवाई की जाए। और सरकार जो कार्रवाई करेगी, सारा देश राजनीतिक दल और प्रतिद्वंद्विता छोड़कर एक साथ सरकार के साथ पूरा देश खड़ा होगा, ऐसी अपेक्षाएं।